हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का सेकंड चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए रीड करते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इच विद द गिवन नंबर इज सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज। आपको क्या गिवन है? सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज। आपको जीरोज गिवन नहीं है, उनका सम और उनका प्रोडक्ट आपको गिवन है। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 अपन उठाते हैं, तो आपको क्या गिवन है? एक तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आपको गिवन है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 1/4। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? माइनस का 1। और आपको क्या फाइंड करना है? आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है, यानी कि आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आपको ये वाली फॉर्म आपको लानी है। ठीक है, अब आपको याद है तो आपको पता है ये फॉर्म किसके इक्वल होती है? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक है, ये अपन ने पहले सॉल्व किया था, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको याद कर लेना। अपन ने सॉल्व किया था, ये आ गया था। ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे? वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू कैसे पुट करते हैं? के की जगह क्या पुट करेंगे? के यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू हट जाएगा अभी। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/4। ठीक है, एक्स की जगह एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1। वैल्यू पुट कर ली, अब सॉल्व कर लीजिए। ये एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा? एक्स 1/4, यहाँ क्या आएगा? प्लस माइनस, माइनस का 1। ठीक है, अब क्या लेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं अपन, तो 4 यहाँ एलसीएम आ गया, तो क्या आएगा? 4x स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4। एलसीएम लेना आता होगा सबको। 4 को इस 1 से डिवाइड किया, 4 टाइम 4 का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर। 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 टाइम 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस का एक्स। 1 को 4 से डिवाइड किया 4 टाइम और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 4। ठीक है, अब क्या है? अभी के जो डिनोमिनेटर में जो 4 है उसको बाहर ले लीजिए, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। ठीक है, और इस k अपॉन 4 की जगह आप क्या लिख लो? k लिख लीजिए, या आप इसको हटा भी सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है। तो आपका आंसर क्या होगा? 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए ऐसे ही सेकंड करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको क्या गिवन है? जीरोज गिवन है, सम गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट्स आपको गिवन है। तो आप क्या बोलेंगे? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू मुझे गिवन है। कितनी कितनी गिवन है बताइए? रूट टू 1/3, ये आपको गिवन है। और आपको क्या फाइंड करना है? आपको इक्वेशन बनानी है, आपको पॉलिनोमियल्स लाना है। आपको लाना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको लाना है। ठीक है, ये आपको लाना है, ये किसके इक्वल होते हैं? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। याद कर लीजिए, सम सम तो यहाँ आता है, प्रोडक्ट यहाँ आता है और माइनस का साइन लगता है। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। के की जगह के पुट किया, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? रूट टू। ठीक है, रूट टू ब्रैकेट क्लोज एक्स। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/3। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज, रूट टू एक्स हो गई ये 1/3। अब आपको पता है 8 तो होता नहीं, 8 नहीं होता तो आपको एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। अब मैं क्या लूंगी? अंदर एलसीएम लेते हैं, 3 एलसीएम ले लिया। 1 को 3 से डिवाइड किया 3 टाइम, ठीक है, हो गया 3x स्क्वायर। 1 को 3 से डिवाइड किया 3 टाइम, तो जगह 3√2x। और 3 को 3 से डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। अब इस 3 को आप इस k के साथ लिखेंगे, k अपॉन 3, 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1। ठीक है, इस पूरे को आप फिर से क्या लिख सकते हो? कैपिटल K लिख लीजिए। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस 1। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। K तो कांस्टेंट है, आप इसको हटा सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1। ये है जीरो से इक्वेशन पॉलिनोमियल बनाना। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या गिवन है? जीरो और रूट फाइव। जीरो तो क्या है? सम है। रूट फाइव क्या है? प्रोडक्ट है। रूट फाइव क्या है? प्रोडक्ट है। किसके प्रोडक्ट?
जीरोज के प्रोडक्ट्स। अब आपको क्या चाहिए, पॉलिनोमियल चाहिए। ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल होते हैं, इस वाले फॉर्म के इक्वल होते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं के की जगह के, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो, और एल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है, रूट फाइव। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं के एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, क्या बचा प्लस का रूट फाइव। ठीक है, तो आपका आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव, ये है पॉलिनोमियल्स। कौन सा पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलिए इसका लास्ट वाला कर लेते हैं फटाफट। फोर वन, फोर वन क्या है, फोर तो सम है और वन क्या है, इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फोर, एल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू वन। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी इस फॉर्म में, बहुत इजी पार्ट है ये। इसको सॉल्व करते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस वन। ठीक है, तो आपको पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस वन, बिकॉज के कॉन्स्टेंट ही हट जाएगा। थैंक यू।